मोबाइल चलाना हो, टीवी का चैनल बदलना हो या फिर गाड़ी को रोड पर दौड़ाना हो, हर किसी में एक चीज बड़ी कॉमन होती है, वो है उस प्रोडक्ट का दिल, यानी कि प्रोडक्ट में लगी वो सेमीकंडक्टर चिप जिसके जरिए आप उसे यूज करते हैं। मोबाइल, रेडियो, टीवी, वॉशिंग मशीन, कार, फ्रिज, एसी या फिर एटीएम कार्ड। आज के जमाने में कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसा नहीं है जहां पर सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल नहीं होता है। सेमीकंडक्टर रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इसकी कमी होने से दुनिया भर में खलबली मच जाती है। सेमीकंडक्टर आमतौर पर सिलिकॉन चिप्स होते हैं। एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ सेक्टर में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि सरकार अब देश में चिप की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए सरकार से लेकर पूरा उद्योग जगत एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। भले ही फॉक्सकॉन और वेदांता की डील टूटी हो, लेकिन भारत तेज रफ्तार से सेमीकंडक्टर हब बनाने की ओर बढ़ रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सेमीकॉन इंडिया 2023 समिट में जो तस्वीर दिखाई, उसने पुख्ता कर दिया है कि वो दिन अब दूर नहीं जब भारत सेमीकंडक्टर हब बन जाएगा। सेमीकंडक्टर के इम्पोर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर के कई देश इसे बनाने की क्षमता हासिल करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मानसी और आप हैं मंच पर। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की तस्वीर जो प्रधानमंत्री ने दिखाई, उससे चीन को काफी मिर्ची लगी हुई है। चीन की ओर से भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को रोकने की भरपूर कोशिश भी हो रही है। भारत और चीन के बीच टेक्नोलॉजी से जुड़ी टशन किसी से छिपी नहीं है। चीन के खिसियाहट का नतीजा है कि उसने सेमीकंडक्टर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले दो की एलिमेंट्स यानी कि गैलियम और जर्मेनियम के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है, लेकिन भारत पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। दुनिया भर की कई बड़ी नामी कंपनियां भारत में निवेश को तैयार है। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को अमेरिका, कोरिया और ताइवान जैसे देशों ने भी समर्थन दिया है। एनबीडी न्यूज के मुताबिक अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी गुजरात में 2.75 अरब डॉलर की पहली चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रही है। इस प्रोडक्ट का पहला फेज साल 2024 में शुरू हो सकता है। अमेरिका की एक और सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस 40 करोड़ डॉलर का निवेश करने जा रही है। अमेरिकी सिलिकॉन पावर ग्रुप ओडिशा में सिलिकॉन प्लांट लगाने के लिए 121.73 मिलियन डॉलर का निवेश करने की तैयारी है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी भारत में फैसिलिटी ओपन का मन बना रही है। सेमीकंडक्टर चिप को लेकर भारत की बढ़ती साख से चीन की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि अब तक दुनिया भर के देश सेमीकंडक्टर के लिए चीन का दरवाजा खटखटाते थे, लेकिन अब वो कंपनियां भारत की ओर रुख कर रही हैं। अगर चिप मेकिंग कंपनियां भी हाथ से निकल गईं, तो उसकी इकोनॉमी को बड़ा झटका लगेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा वक्त में भारत का सेमीकॉन मार्केट 23 बिलियन डॉलर का है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये 80 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। अभी चिप और डिस्प्ले फैब्रिकेशन में चीन का दबदबा है। चीन, हांगकांग, ताइवान और दक्षिण कोरिया दुनिया भर को चिप और सेमीकंडक्टर की सप्लाई करता है। अब भारत के इस रेस में आने से चीन की टेंशन बढ़नी ही है। अब अमेरिका क्यों दे रहा है भारत का साथ, इसे भी समझिए। भारत सेमीकंडक्टर का 100% इम्पोर्ट करता है और इस पर करीब 1.90 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है, जिसका बड़ा हिस्सा चीन के पास पहुंचता है। अमेरिका भी चिप के लिए चीन पर निर्भर है। दुनिया में सेमीकंडक्टर की कुल बिक्री में चीन का 1/3 योगदान है। अमेरिका की कुछ कंपनियों का 60-70% रेवेन्यू चीन से ही आता है। जब भारत का सेमीकंडक्टर मिशन पूरा हो जाएगा तो अमेरिका के पास भी ऑप्शन होगा, इसलिए अमेरिका भारत के इस चिप मिशन को सपोर्ट कर रहा है। प्रमुख कंपनियों में कौन से नाम शामिल हैं, इसे भी जान लीजिए। सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली प्रमुख कंपनियों में इंटेल, सैमसंग, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ब्रॉडकॉम और निविडिया शामिल है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में बढ़ता इस्तेमाल, दुनिया भर में उभरती टेक्नोलॉजी और खास तौर पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT में सेमीकंडक्टर का खासा महत्व है। स्पेशल सेंसर, इंटीग्रेटेड सर्किट, शार्प मेमोरी और एडवांस प्रोसेसर की जरूरत बढ़ रही है। इसके अलावा 5G मोबाइल नेटवर्क में भी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। बता दें कि सेमीकंडक्टर तेजी से बदल रही टेक्नोलॉजी सेक्टर की रीढ़ है, लेकिन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने कई चुनौतियां भी हैं। वर्तमान में दुनिया भर की सरकारें इस क्राइसिस से निपटने की तैयारी कर रही हैं। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखना होगा। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इस स्टोरी को आपके लिए तैयार किया है हमारे साथी मंचकार ऋषभ कांत ने। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।